एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। ये देखते हैं बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। आपको बता दें कि 30 कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। कुल 29 एजेंडों पर लगा है मोहर और 29वां नंबर पर बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राजकर्मी के दर्जे पर फाइनली लग गया है मोहर। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 29 एजेंडों पर लगी है मोहर। नीतीश सरकार बिहार के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देगी। आज हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की महागठबंधन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार के करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकार राजकर्मी का दर्जा देगी। लंबे समय से नियोजित शिक्षक संघ इसकी मांग कर रहा था। चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और नियोजित शिक्षकों की मांग पूरी कर दी है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है। समिति द्वारा आयोजित एक मामूली परीक्षा में पास करना होगा, इसके बाद सरकार उन्हें राजकर्मी दर्ज देगी। बीते 2 नवंबर को गांधी मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया था। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि बिहार के सभी नियोजित शिक्षक एक सामान्य परीक्षा लेकर सरकारी राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो सीएम नीतीश कुमार ने मन से ही शिक्षा विभाग के सीएम के पाठक को खाली पदों पर 2 महीने के भीतर भर्ती करने का निर्देश दिया था और कहा था कि राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों को सरकारी देंगे। तो आज फाइनली राजकर्मी के दर्जे पर मोहर लग गया है। और आपको बता दें कि इसमें बीपीएससी शिक्षक से बढ़िए होंगे नियोजित शिक्षक, उन्हीं के भांति सारी सुविधाएं भी मिलेगी। आपको बता दें कि इसमें नियोजित शिक्षकों को 3 इंक्रीमेंट मिलने की उम्मीद है और 3 इंक्रीमेंट मिलते ही बीपीएससी शिक्षक से बढ़िए हो जाएंगे सभी नियोजित शिक्षक। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बहुत जल्द ड्राफ्ट आ रहा है। लगभग आधे घंटे में ड्राफ्ट आने वाला है। जैसे ही ड्राफ्ट आएगा पूरी जानकारी विस्तार से आप सबको दी जाएगी। तो चैनल पर बने रहे तो वीडियो में इतना ही। वीडियो मलास तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक और करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।